दोनों का शेड देखो ऑलमोस्ट सेम है। वही वाला लिपस्टिक जो जूडियो वाला था वही लगाया हम दोनों ने। विनी ने ऑमलेट बनाया है कुछ एग भुर्जी प्लस ऑमलेट। कल मी रेस्टोरेंट क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग 1 मिनट उन्होंने जाना है, बट लास्ट में एक और ट्विस्ट है वो आप लोगों को मैं कुछ भी नहीं बोल रही, वो आप लोगों को जाके देखना है। कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज पीछे की वॉइस को इग्नोर करना, पीछे जो भी काम चल रहा है उसकी वॉइस को इग्नोर करना, उसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। स्टॉप। तो अभी विनी बना रही है, विनी कर रही है स्टिच, मतलब विनी स्कर्ट स्टिच कर रही है, और मैं जब से बैठी हुई हूँ मैं सुबह से कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा है मेरे को अभी काम करना है, बट मैं अभी अपना जो पहले वाला ब्लॉग था वो एडिट कर रही थी, तो वो एडिट हो चुका है। अभी जाती हूँ काम करने, और उसके बाद शाम को हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, ध्रुति, शियान, अच्छू, मैं और विनी, पांचों के पांचों हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो हम दोनों हो चुके हैं रेडी। वो 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 ध्रुति को अभी हम लोग ने जस्ट कॉल करके पूछा कि हम लोग निकले करके, तो उन्होंने बोला रुको मैं अपने आउटफिट की फोटो खींचती हूँ। मैंने बोला ठीक है, हम लोग भी अपने आउटफिट की फोटो भेज देते हैं, आपको जैसे जो ठीक लगे वो पहन लेना आप। एंड विनी मैडम इज बिजी अप्लाइंग लिपस्टिक, क्योंकि हम दोनों का शेड देखो ऑलमोस्ट सेम है। वही वाला लिपस्टिक जो जूडियो वाला था वही लगाया हम दोनों ने। तो ये मेरा आउटफिट है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है पहले ही, मतलब ये वाला टॉप तो देख चुका था, बस इसको मैंने अलग तरीके से आज स्टाइल करा है। रब्बा ने तुझको बना, अरे नहीं गाती हूँ, शिट शिट, कॉपीराइट। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि हाउ एम आई लुकिंग, क्योंकि मेरे को ये लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लग रही है मेरे फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं थोड़ा न्यूड में जाना चाहती हूँ, मतलब जो मेरे को पसंद है वो थोड़ा न्यूड रहता है, बट ये पहली बार है कितना डार्क लिपस्टिक लगाया। तो आप लोग कॉमेंट्स में वैसे बताते हो नहीं वो बात अलग है, बट फिर भी बता देना कि कैसा लग रहा है। अनदर डे बट सेम व्लॉग। और देखिए आज विनी ने ऑमलेट बनाया है कुछ एग भुर्जी प्लस ऑमलेट। थोड़ा ऑमलेट पलटते पलटते थोड़ा टूट फूट गया, बट कोई ना, ऑमलेट खाने से मतलब है हमको, रोज हम लोग से वो ऑमलेट ही खा रहे हैं, ऑमलेट ब्रेड, ऑमलेट ब्रेड। नो नो नो, अरे मैं और प्रिया भी आए हैं। प्लीज जस्ट से दैट अभी मैं और प्रिया आए हैं कलमी रेस्टोरेंट। अभी मैं और प्रिया कलमी रेस्टोरेंट। तो आप लोग को पता तो चली गया होगा कि हम लोग कहाँ आए, विनी ने अभी जस्ट बोला। तो अभी हम दोनों का प्लान बना है मूवी देखने जाने का, टाइगर 3। तो टिकट्स तो हम लोग का, आप लोग को पता ही है रूल क्या है, हम लोग माई शो से बुक नहीं करते, डायरेक्ट वहां जाकर लेते हैं ताकि GST ना लगे। तो अभी हम लोग डिनर करने कलमी रेस्टोरेंट आए, तो हम लोगों ने मंगवाया है चिकन कढ़ाई और 2 कुलचा, क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोग 1 मिनट उन्होंने जाना है, तो इसलिए अभी फटाफट खाते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे टिकट लेके, फिर वहीं आसपास वहीं पे कहीं पे घूमते रहेंगे और फिर टाइगर 3 इंजॉय करते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टाइगर 3 कैसी है मूवी हमारे हिसाब से। टेल नो कुलचा, चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और कुलचा आ गया हम लोग का भी। यहाँ से आते हैं ऐसे लोग, इनसे कचरा भी नहीं फेंका जा रहा, कॉर्नर पर रख के चले गए लिफ्ट के। मैंने भी तो पकड़ा, मैं भी रख दूँ क्या यहाँ पे? हाँ नहीं तो हद है। बी कैफेट भी नहीं, और हम दोनों ही अंदर घुसे और देखा तो अभी तक कोई भी नहीं बैठा है। ये हम लोगों का है गाइस, ये हम लोगों का है, हमने पूरा बुक करके रखा है, स्पेशली VVIP है ना हमें, इसीलिए तो ये पूरा आईनॉक्स हमारा है, कोई है ही नहीं। हम दोनों देख के हैरान हो गए, हम दोनों खुद हंसने लग गए। तो हम लोग घर आ चुके हैं और मेरे बाल आप लोगों को देख के पता चल ही रहा होगा। वैसे तो आज मैंने धोया था, हेयर मास्क सब लगाया था, फाइनली आज मेरे को टाइम मिला हेयर मास्क लगाने का। तो अभी गाड़ी से आया तो पूरा उड़ उड़ के, तो फाइनली मूवी देख के आ चुके हैं और मूवी बहुत ही बहुत ही बहुत ही फैंटास्टिक थी, मतलब मजा आ गया, ऐसा लगा बोर वोर कुछ भी नहीं हुआ, बीच बीच में तो मैं बिल्कुल बोर वोर नहीं हुई, मस्त। और स्पेशली मेरे को थिएटर में इतना ज्यादा ठंडा लगता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं, अंदर हुडी तोड़ी है, ये जैकेट भी स्पेशली मेरे से, मेरे को ठंडी का मौसम बहुत, मेरा फेवरेट 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 सीजन ही विंटर सीजन रहता है, और मेरे को ठंड भी उतनी ही लगती है, आई डोंट नो क्यों, बट मेरे को ठंड उतनी लगती है और मैं उस ठंड को भी इंजॉय करती हूँ। लाइक मेरे को
लाइक ऐसे कोजी कोजी स्वेटर्स कुछ भी बोल दो, स्वेटर कंबल पहन के शॉल पहन के मैं दिन भर बैठी रहूंगी, बट वो मेरे को मतलब वो वाइब भी अलग रहती है कि मेरे को बहुत मजे आते हैं, बट ठंड मेरे को लगती है वो भी अच्छा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरे को वो चीज भी पसंद है। और मूवी भी बहुत सही रही, थिएटर में मेरे को बहुत ज्यादा, बस एक चीज भूल गई, वो था सॉक्स। सॉक्स पहन के निकली, जीन्स को खिसका रही थी ताकि मेरे पैर मतलब नीचे का जो भी है वो पूरा ढक जाए ताकि ठंड ना लगे, मैं डर गई कुछ है क्या करके, कुछ नहीं था। तो फाइनली मूवी अच्छी रही, हम लोग आ भी चुके हैं, रास्ते में हम लोगों को कॉफी वाले मिल गए थे, मतलब भैया लोग खड़े रहते हैं कॉफी वाले, तो हम लोगों ने दोनों ने चाय पिया, चाय भी टेस्टी था, तो चाय वाय पी के आ चुके हैं अभी रूम। और मूवी मस्त थी, मजे आ गए मूवी देख के, बट मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी जब शाहरुख खान की एंट्री हुई, आई वॉज लाइक कि जवान पठान कहाँ से आ रहा है ये, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी कि जवान से रिलेटेड है कि पठान से रिलेटेड है, बट वो तो पठान से रिलेटेड है एट लास्ट में पता चल गया क्योंकि मेरा दिमाग बहुत घूम रहा था। बट जो लोग मूवी देखने नहीं गए वो लोग प्लीज देखने जाओ मूवी, क्योंकि लास्ट में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, मूवी तो अच्छी है एंडिंग भी अच्छी है, बट लास्ट में एक और ट्विस्ट है, वो आप लोगों को मैं कुछ भी नहीं बोल रही, वो आप लोगों को जाके देखना है। अभी मेरे को नहीं पता विधि क्या करना। कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को बताते बताते रुको रुको, अभी हम लोग को सेलिब्रेट करने दो पहले। तो हम लोग गए थे चाय पीने, और हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे एक दूसरे को, इसलिए था कि फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई, हम लोग जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे वो हम दोनों को मिल चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉल मिला है दोनों को, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, अब जैसे मिला वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही जाना पड़ेगा, बट फाइनली मिल चुका है, तो उसकी बहुत ज्यादा ही खुशी हम दोनों को। और मेरे को कौन सा मिला है वो आप लोगों को बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, मेरा अभी प्रैक्टिकल्स होगा 2021-22, तो मैं थर्सडे से ज्वाइन कर रही हूँ, तो थर्सडे को पता चलेगा कि मेरे को कौन से मॉल में मिला है और कौन से स्टोर में मिला है, तो वो अभी मैं उसका खुलासा भी नहीं करूंगी, उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, बट स्पेशल है, स्पेशल है, अच्छी जगह है, वो अच्छी जगह बतानी पड़ेगी, बैंगलोर का मतलब बाद में अभी नहीं बोलूंगी। तो ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ गाइस, आई होप यू ऑल लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय, चेक कर बूम 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 बूम। और ये वाली वीडियो बहुत अच्छी नोट पे खत्म हो रही है।